सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडविड विंग्स। एंड अभी अभी जो है JKSSB की ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन जो है वो आपने देखा होगा, जिसमें प्रेफरेंसेस जो हैं वो मांगी गई हैं कश्मीरी पंडित्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए और नॉन माइग्रेंट्स के लिए, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाई गई थी JKSSB की तरफ से अंडर PM स्पेशल पैकेज स्कीम। तो वहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि JKSSB के ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो JKSSB ने पहले तो पूरा डिटेल बताया है कि कब एग्ज़ाम होता है और कब इनको ऑनलाइन वगैरह के लिए बुलाया जाता है और सेकंड फेज़ के लिए भी जो है ये बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पर JKSSB का कहना है कि पूरे दो फेजेस की वेरिफिकेशन होने के बाद भी ये पाया जा रहा है कि एक बच्चे जो, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका एक से ज़्यादा लिस्ट में जो है वो नाम आ रहा है। तो अब JKSSB का कहना है कि एक बंदे का अगर एक से ज़्यादा लिस्ट में नाम आ रहा है, यानी एक का अगर तीन या चार जगह पर नाम आ रहा है, फाइनली जब ज्वाइनिंग होगी तो उसने ज्वाइन तो एक ही जगह करना है, तो पिछली तीन सीटें जो होंगी जहाँ पर उसका नाम जो है रिपीट होगा, वो तीन सीटें फिर वैकेंट रह जाएंगी। वेटिंग के द्वारा चाहे क्लियर किया जाएगा, लेकिन उसमें एक वक्त लगने वाली गुंजाइश जो है हो सकती है। इसलिए JKSSB ने ज्वाइनिंग से पहले ही जो है एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ये शुरू किया है, जिसमें उन्होंने उन बच्चों के लिए जिनका नाम एक से ज़्यादा लिस्ट में फिगर आउट हुआ है यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की और कश्मीरी माइग्रेंट्स नॉन माइग्रेंट की पोस्ट के लिए, जिनका नाम एक से ज़्यादा पोस्ट पर आपको देखने को मिल रहा है, उन बच्चों को प्रेफरेंस देनी है कि जितने भी लिस्ट में उनका नाम है उसमें से वो सबसे पहली प्रेफरेंस जो है, यानी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उनको रखनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए वो जो है प्रेफर करना चाहते हैं। और फिर उन्हें क्या होगा कि जो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहेगी उन्हें उसी पोस्ट में जो है ज्वाइन करवाया जाएगा, और बाकी जहां पर उनका नाम आ रहा है बाकी पोस्टों में, वहां पर फिर नीचे से जो कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगे उन्हें ऊपर किया जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि पोस्ट जो है वो कोई वेकेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो अच्छा इनिशिएटिव है। क्या सिस्टम है, देखिए यहाँ से आपको पता ही होगा कि 7 लगभग कुल अलग अलग तरह की पोस्टें थी, और एक इंसान के अगर 7 जगह पर नाम है तो ज्वाइन तो उसे एक ही जगह करना है, तो 6 सीटें वेकेंट रहने के चांसेस हो सकते थे। इसलिए JKSSB ने ज्वाइनिंग से पहले ही ये कहा है कि JKSSB ने कहा है कि उनको ऑफिशियल साइट जो है उनकी, वहाँ पर जो है आपको एक लिंक मिलना शुरू हो जाएगा ऑफिशियल साइट पर आज से, यानी 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। आज तो अभी तक लिंक नहीं आया है, शाम तक शायद आपको लिंक मिल जाए। JKSSB की ऑफिशियल साइट पर आप विज़िट करते रहिए, जिनका भी नाम जो है मल्टीपल लिस्ट में आ रहा है उन्हें क्या करना है कि उस पोर्टल में जब आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक को खोलना है, अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है, और आपको बताना है कि जितनी भी लिस्ट में आपका नाम आ रहा है उसमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है जिसको आप प्रेफर करना चाहते हैं, जहां पर जिसमें आप ज्वाइनिंग डालना चाहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जिस किसी का सब इंस्पेक्टर में भी नाम आया, किसी का असिस्टेंट कंपाइलर में भी नाम आया और फील्ड असिस्टेंट में भी नाम आया है, तो उसको प्रेफर करना पड़ेगा कि इन तीनों में से वो कौन सी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहता है। तो ऑफ कोर्स सब इंस्पेक्टर को ही जो है, अगर जिसका तीनों में नाम आ रहा है तो सब इंस्पेक्टर की तरफ ही जाएगा, तो वो सब इंस्पेक्टर को प्रेफर करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, सब इंस्पेक्टर में मुझे जाना है, और बाकी जो फिर असिस्टेंट कंपाइलर और फील्ड असिस्टेंट की जो जहां पर उसका नाम आ रहा होगा वहां से उसका नाम हटाकर फिर वेटिंग वाला जो भी होगा उसको ऊपर किया जाएगा, ताकि कोई सीट जो है वो वेकेंट भी ना रहे और जो इंसान अलग अलग लिस्ट में फिगर आउट कर रहा है उसको उससे प्रेफरेंस पूछी जा रही है कि आप किस में ज्वाइन करना चाहते हो, तो बिल्कुल वो जहाँ भी ज्वाइन करना चाहता है, जहाँ पर वो प्रेफरेंस सिस्टम ना भी होता तो उसने एक ही जगह पर ज्वाइन करना था, तो वो वही प्रेफरेंस जो है वो सेट करेगा। तो कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है, इवन अच्छी बात है कि जो वेटिंग लिस्ट के ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट जो देर बाद ऑपरेट होनी थी वो शायद से आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही ऑपरेट होने को मिल जाए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। 8 अगस्त से लेकर याद रखिएगा 12 अगस्त, यानी 5 दिन जो है वो आपको मिलेंगे। लिंक जाइए JKSSB की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जिसका भी नाम जो है मल्टीपल लिस्ट में फिगर आउट हो रहा है, ये नीचे लिस्ट भी दी गई है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिसका भी नाम जो है वो काफ़ी सारी लिस्ट में है तो वो ज़रूर जाकर अपनी प्रेफरेंस दें कि उसे कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी पोस्ट पर जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, ताकि बाकी पोस्टों पर जो है वो बाकी बच्चों को मौका दिया जा सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहेगा हमारे चैनल एडविड विंग्स के साथ।